हरियाणा के परिवहन मंत्री कृष्ण पवार आज कुरुक्षेत्र की जेल में पहुंचे और मध्य प्रदेश की तर्ज पर हरियाणा के बंदियों की सजा खत्म करने पर उन्हें एक गाय दान में देने की बात कही। शुरुआत में हरियाणा के 6 जिलों में गौशालाएं खोली जाएंगी। हरियाणा सरकार ने सूबे के कैदियों को गोदान करने की तैयारियां कर रखी हैं। इसकी जानकारी राज्य के परिवहन मंत्री कृष्ण पवार ने कुरुक्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दी। दरअसल हरियाणा सरकार प्रदेश की जेलों में गौशालाएं खोलने जा रही है, जहां से सजा पूरी करने वाले कैदियों को गौदान में दी जाएगी। कृष्ण पवार कुरुक्षेत्र की जिला जेल में स्वामी ज्ञानानंद की तरफ से आयोजित सत्संग में भाग लेने पहुंचे थे। सत्संग में कैदियों और बंदियों को प्रवचन सुनाए गए, उनके अर्थ के बारे में जानकारी दी गई। सत्संग से पहले कृष्ण पवार ने कैदियों और बंदियों द्वारा बनाए गए सामान का भी निरीक्षण किया। गौशालाएं खोलने की हमारी योजना है, जिससे तो गौओं की सेवा, जो बंदी भाई है गौओं की सेवा करेंगे। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में जब बंदी रिहा हो जाता है तो उसको एक गौ भी दी जाती है, वो जाकर गौ की सेवा करे। दरअसल कैदियों को गोदान करने का फार्मूला मध्य प्रदेश की तर्ज पर लागू करने की तैयारी है। राकेश रोहिला, जी मीडिया, कुरुक्षेत्र।